संविधान के निर्माण में महिलाओं का क्या योगदान है? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सभी के बारे में यहाँ बताया गया, बड़ा से ये पोस्टर लगाया गया है। और तुमसे एक प्रश्न पूछूं मेरे राम, तुम स्वयं भी तो अकेले थे इतने दिनों सीता के बिना, तुमने स्वयं क्यों नहीं दी अग्नि परीक्षा? नमस्ते, भारत एक नई सोच देख रहे हैं और लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। यही से गुजर रहे थे तो पता चला कि अंदर महिलाओं से संबंधित विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका पर कार्यक्रम हो रहा है। जब हम यहाँ पे आए तो हमको ये सबसे पहले पोस्टर दिखता है जिसमें संविधान के निर्माण में महिलाओं का क्या योगदान है, और यहाँ पे तमाम अम्मू स्वामीनाथम या एनी मस्कारीन, बेगम एजाज रसूल, तमाम लोग, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सभी के बारे में यहाँ बताया गया, बड़ा से ये पोस्टर लगाया गया है। और अंदर की तरफ चलते हैं। खास बात ये है ना कि हम लोग आज महिलाओं की बात करने वाले हैं और विकसित भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। शुभम थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हमको जो बताएंगे इस प्रोग्राम को जो कर रहे हैं ना, वो महिला नहीं, वो एक पुरुष हैं। तो चलिए बात करते हैं, हमारे साथ ब्रजेश झा सर है जो कि दिल्ली से आए हुए हैं और पूरा प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार लोगों को यहाँ पे समझा भी रहे हैं कि इस प्रोग्राम का थीम क्या है, कैसे क्या प्रोग्राम है। तो सर से बात कर शुरू करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। शुभम, चलते हुए बात करते हैं, थोड़ा से आगे आप बढ़ें। तो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको पता चला कि यहाँ पे महिलाओं से संबंधित कोई कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन अच्छी बात ये लगी कि इन महिलाओं के सम्मान के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है, एक पुरुष वर्ग का आदमी इसको कर रहा है, लीड कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष वर्ग इसमें एक सब्जेक्ट, एक मसला होता है कि जिस सब्जेक्ट पे जो काम कर रहा हो तो वो इस काम को करता है। इसको विजुलाइज दरअसल एक महिला ने ही किया है, श्रुति अवस्थी नाम है, IGNCA की रीजनल डायरेक्टर हैं वो जम्मू में, उन्होंने इसको विजुलाइज किया था। एक साल पहले ये प्रदर्शनी दिल्ली में लगी थी, IGNCA का जो मेन सेंटर है उसी प्रदर्शनी को दोबारा उन्होंने यहाँ, जब रीजनल सेंटर को यहाँ वो डायरेक्टर बन के आई तो उन्होंने यहाँ ये प्रदर्शनी लगवाई। क्योंकि इस प्रदर्शनी को तैयार हम लोगों ने किया था तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी आऊं, तो यहाँ ये आज प्रदर्शनी लगी है। आप लोगों ने इसे देखा होगा, देखिए अपनी राय लगातार देख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हमको ब्रीफ करेंगे। शुभम आप आगे की तरफ आ जाए। हम जैसे देख रहे थे ना कि अगर सर के बारे में हम बताएं तो सर बिहार के भागलपुर से, जैसा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है कि ज़्यादातर लोग पत्रकारिता के क्षेत्र बिहार से ही होते हैं, तो सर भागलपुर से हैं। ब्रजेश कुमार झा नाम है सर आपका, और हिंदुस्तान समाचार के संपादक भी हैं। तो सर यहाँ के बारे में कुछ बताएं, जैसे ये एक कमरा है और यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा वैदिक काल की विदुषियाँ, और अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो इन विदुषियों के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो सर इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया कैसे आया और इन सब चीज़ों को करने के लिए? नहीं, एक हिस्ट्री सब्जेक्ट होने की वजह से, अगर आपका इतिहास या किसी का भी सब्जेक्ट अगर इतिहास है तो वो ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या हमारे यहाँ क्या चीज़ें रही हैं जो हमसे अछूती हैं। आज जब हम एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहाँ पे विचारधारात्मक संघर्ष बहुत तेज़ी से उभर कर आया है कि हमारी पहचान क्या है, हमारी हम में जो रोशनी है वो कहाँ कहाँ से आई है, किस ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें मौलिक बनाती है, या ऐसे वो कौन से तत्व थे जो लोग कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, इसकी वजह क्या है। जब आप उस चीज़ को ढूंढते आगे बढ़ेंगे तो आप वैदिक काल जाएंगे। वैदिक काल में आपको जब उस कालखंड को अच्छी तरह खंगालेंगे तो आपको ऐसी अनेक महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने नायाब चीज़ें हमारे लिए तभी दी थी जो आज हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं। उसको जानना, समझना, उनका जो योगदान रहा समाज में उसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तभी हम अपने पे स्व पे गर्व कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो पंच प्रण की बात कही है कि खुद पर गर्व करो, वो क्यों कही है, आखिर उसकी वजह क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम उस कारण को जाएंगे में ढूंढेंगे तब हमें अपने वैदिक काल को, मध्यकालीन भारत को, आज़ादी की लड़ाई में जो महिलाओं का योगदान है या जो हमारे ट्रेडिशन रहा है, हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको जब हम जानेंगे तो उसको बनाने में, उसको महिलाओं को उसको खड़ा करने से ज़्यादा उसको संपन्न करने में भी उनका, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो जम्मू की जो महिलाएं, खासकर जम्मू कश्मीर की महिलाएं, तो उनकी सहभागिता दिखाई दे रही है यहाँ पे? हाँ, बहुत है। आप लालेश्वरी को देखेंगे यहाँ, जिन्होंने यहाँ एक परंपरा को ही, सह परंपरा को ही जन्म दिया, और उसको जन्म ही नहीं दिया, स्थापित किया। और लालेश्वरी के जो अनुयायी थे, नुंद ऋषि,
माना जाता है कि नंद ऋषि ने जम्मू कश्मीर में सूफियत की नई परंपरा को जन्म दिया, जिसको ऋषित्व कहा जाता है, जिसको ऋषित्व परंपरा कहा जाता है, जिसमें बौद्ध, इस्लाम और शैव तीनों का समावेश है। तो लालदेव का एक बहुत बड़ा योगदान है। और भी कई महिलाएं यहाँ आपको मिलेंगी जो जिनका जम्मू के पंपोर की एक महिला हैं, उनका भी हम यहाँ जिक्र हुआ है। आप मेडिवल पीरियड में जाएंगे तो उनका यहाँ हमने उल्लेख किया है। दूसरा ये तो आपने कई कालों की बात की, लेकिन मैं आधुनिक काल की बात करूं तो अभी हाल ही में 2023 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था, तो जम्मू कश्मीर की एक तो श्रीनगर का वो एरिया जहां पे आतंकवादी बाहुल क्षेत्र है, वहां की मुझे नाम नहीं आ रहा, 11 रैंक आई थी उनकी यूपीएससी में, 11वीं रैंक पाना, वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां पे इंटरनेट नहीं होता है, आतंकवादियों का हमेशा डर रहता है, वहां से यूपीएससी में 11 रैंक लाना आज के युग में काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। एक अंबिका रैना की बात करें कि वो यहां से स्विट्जरलैंड गई, वहां पे कुछ और काम करती थी, लेकिन उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और देश भर में अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी सहभागिता निभा रही हैं जम्मू कश्मीर से। हाँ, कोई इसमें दो राय नहीं है। दरअसल यूपीएससी आज भारत सरकार में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बड़ा एग्जाम है, जो सीधे आपको आईएएस, आईपीएस या एलाइट सर्विस में भेजता है। उसमें जम्मू कश्मीर की महिलाएं भी अपना ये अब कम्पीट कर रही हैं। आज यहाँ हालात कुछ साल पहले तक बहुत अच्छे नहीं थे, अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो उसका उपयोग कर रही हैं और अपनी प्रतिभा को स्थापित कर रही हैं। अगर वो यूपीएससी क्वालिफाई करके अब खुद इस राज्य में आएंगी तो उन्होंने जिन कठिनाइयों को झेला है उससे अपने नए जनरेशन को उससे बचाएंगी। और एक देखिए, यही आप मैं इनकी इनका जिक्र कर रहा, लालेश्वरी का 14वीं शताब्दी में ये आई और इन्होंने अपने परिवार से अलग होकर एक नई धारा इन्होंने शुरू करी। लिखा हुआ है, कश्मीर वादी में हिंदू मुसलमानों के बीच उभर रहे भेद पर लालेश्वरी ने कहा था, सिर्फ सर्वत्र व्याप्त हैं, उनके प्रकाश में नहा लो, हिंदू मुसलमान में भेद न करो, स्वयं को पहचानो, वही ईश्वर से असली पहचान बनेगी। सर, मेरा एक सवाल था, ये 14वीं 15वीं शताब्दी की बात हो रही है और आज 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, जो ये सेंटेंस लास्ट में लिखा है, हिंदू मुसलमान में भेदभाव ना करो, स्वयं को पहचानो, वही ईश्वर से असली पहचान बनेगी, मानते हैं कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव अभी है या खत्म हो गया है? नहीं, ये तो एक धार्मिक विवाद है, ये तो चला आ रहा है और एक संघर्ष भी रहा है, लेकिन ये हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम धर्म, अपना धर्म, हमारा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, एक मानव होने के नाते एक लोकतांत्रिक देश में धर्म का क्या महत्व है और हम उसको किस सीमा तक, हमें कहाँ तक ले जाना है, ये सब हमें दोनों धर्मों को, लोगों को समझना चाहिए। इसमें संघर्ष, आज के युग में संघर्ष एक देश को पीछे करेगा, तो इस संघर्ष से हमें आगे बढ़ना चाहिए और दोनों समाज के लोगों में ये परिपक्वता आ गई है कि वो देश को आगे ले जाना उनकी प्राथमिकता है और संघर्ष को वो लोग अब तो पीछे छोड़ रहे हैं। कुछ तत्व तो ऐसे ज़रूर हैं जिनसे शासन की चुनौती बनी हुए हैं वो कुछ लोग, तो शासन उनसे अपने तरीके से निपट रहा है, समस्या का समाधान भी मिल रहा है। एक सवाल था मेरा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आपने वहाँ पे बात हुई तो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ। जब हम लोग IMC से इधर आ रहे थे तो बस में एक सज्जन पुरुष मिले, उन्होंने बताया कि 370 जब लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो होता क्या था कि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और जम्मू कहीं ना कहीं हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो सरकार की तरफ से कोई योजना आती थी या राज्य सरकार की तरफ से कोई योजना लागू होती थी तो उसका जैसे 101 रुपये दिया जा रहा है तो उसका केवल 20 पैसा जम्मू में वो भी चुनिंदा लोगों को दिया जाता था और 80 पैसे कश्मीर में मुस्लिम लोगों को दे दिया जाता। तो ये भेदभाव अभी भी नज़र आता है आपके पत्रकारिता के नज़रिए से देखें, संपादक के नज़रिए से? एज ए रिपोर्टर, एक रिपोर्टर के नाते जब जम्मू कश्मीर जाता हूँ तो मुझे अब वो बात नज़र नहीं आती। अब वहाँ जो भी योजनाएं लागू हो रही हैं या फिर जो भी पैसे का बंटवारा योजनाओं के जरिए जो लोग लाभ ले रहे हैं उसमें कॉमन मैन बहुत ज़्यादा है, आम आदमी आगे आ रहा है। इससे पहले भी जो शासन, वो दरअसल भ्रष्टाचार का मसला है, ये नहीं होता है कि सरकार किसी को
पीछे करती है या आगे करती है। मसला ये होता है कि लोग सरकार में जो लोग हैं वो हाँ निचले या ऊपर वो किसी भी स्तर के लोग वो कितनी ईमानदारी से जनता की सेवा या जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचाते हैं। अगर उन्होंने अच्छी कोशिश की होती तो शायद आज जम्मू में या कश्मीर में भेदभाव न होता, ये सवाल आप न पूछते। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हैं इसका मतलब यहाँ के ये बातें यहाँ के मन में गहरे मन में बैठी हुई हैं। तो वो जो भेदभाव हुआ है मैं समझ रहा हूँ कि उसमें कमी आई है, एक रिपोर्टर के नाते मैं जब देखता हूँ तो उसमें कमी आई है। आज जम्मू में आप देख लीजिए एम्स है, IIM है, IIMC है, IIT है, ऐसी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। एक जम्मू यूनिवर्सिटी है वहाँ एम्स बन रहा है श्रीनगर में। तो दोनों तरफ एक समानांतर तरीके से विकास की धारा बह रही है। अब जम्मू कश्मीर एक ऐसे युग में प्रवेश करेगा जो फिर से भारत का नेतृत्व करने वाला है, भारत का नेतृत्व करने वाला। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका निभाता है जम्मू कश्मीर। लेकिन हम लोग महिलाओं पे बात कर रहे थे, मेरा शुभम आप इधर आ जाएं, तो मेरा सवाल एक महिलाओं से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे आपने प्रोग्राम रखा है विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका पे बात हो रही है। तो हम लोग अगर संसद की बात करें तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तो अधिनियम पारित हो गया है महिला शक्ति बंधन का जो महिलाओं को एक अच्छी भागीदारी देगा, लेकिन अभी तक का जो स्टेटस है अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम तुलना करें तो संसद में प्रतिशत जो महिलाओं का देखा जाए कहीं ना कहीं कम नज़र आता है। मेरे हिसाब से लगभग 31% महिला 61 सीटें महिलाओं की राज्यसभा में और 82 या 83 सीटें केवल लोकसभा में हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है, ऐसा चिंतनी नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से तुलना करें तो वहाँ की तुलना में यहाँ पे कम ही सीटें हैं। ये सब तुलना ये सब बहुत अच्छी तुलना मैं नहीं समझता मेरी दृष्टि से है। महिलाओं को अपने पसंद का पेशा खुद अख्तियार करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में जा रही हैं या वो नौकरशाही में आ रही हैं। वो जिधर उनका रुझान है उधर वो जाएं। अगर लगता है कि राजनीति में उनको बेहतर करना है तो राजनीति में वो आएं, और राजनीति में आ रही हैं। हमारे ऐसे उदाहरण रहे हैं, आपको स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने जितना रोल निभाया उतना ही रोल कस्तूरबा गांधी ने निभाया। आप कस्तूरबा का यहाँ फोटो उनका उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है आप देख लीजिए। सुचिता कृपलानी ने निभाया, अगर JB कृपलानी ने निभाया है तो। इस तरह संविधान के निर्माण में 15 महिलाओं ने अपना योगदान दिया जी, हमने दिखाया। हाँ तो ये चीज़ें अगर जेपी की बात करें, जयप्रकाश नारायण को तो प्रभावती रही हैं, मीरा बेन जो विदेश से आई थी जिनका नाम गांधी ने मीरा बेन रखा वो रही हैं, हंसा मेहता रही हैं। तो इस तरह कई नाम हमारे पास हैं हमारे जहन में जिन्होंने समाज को अपने अपने स्तर पे बहुत कुछ दिया है। आज राजनीति में अब उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो आरक्षण दिया गया ये सब पॉलिटिकल मसला था जो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था। नए तरीके से इसको परिभाषित किया जा रहा है, इसको इस्टैब्लिश किया जा रहा है। अगर महिलाएं राजनीति में आती हैं और इस आरक्षण का लाभ उठाती हैं तो मैं समझता हूँ समाज के लिए और भी बेहतर स्थिति बनेगी, समाज के अनुकूल, वो समाज को नई पीढ़ी को ज़्यादा आगे ले जा पाएंगी और उनका आना हम लोगों को वेलकम करना चाहिए। तो लास्ट में महिलाओं के सम्मान के लिए अगर कुछ बताना चाहें, आप कुछ बोलना चाहें जो लोग वीडियो देख रहे हैं। देखिए महिलाएं हमारे यहाँ आप जिनको राम राज्य की कल्पना, श्री राम से महिलाएं सवाल करती हैं। हमारे यहाँ जिनको हम सबसे आदर्श पुरुष मानते हैं उनसे भी महिलाएं सवाल, हाँ श्री राम उनसे महिलाएं। मैं एक शायद 50-60 साल पुरानी एक कविता है, उसमें एक महिला ने कविता लिखी थी, मुझे वो उनका नाम याद नहीं आ रहा है। कविता अगर याद हो तो। हाँ कविता उन्होंने लिखा था, तुमसे एक प्रश्न पूछूं मेरे राम, तुम स्वयं भी तो अकेले थे इतने दिनों सीता के बिना, तुमने स्वयं क्यों नहीं दी अग्नि परीक्षा, तुम्हारी चलाई इस परंपरा में आज भी कितनी औरतों को देनी पड़ रही हैं अग्नि परीक्षाएं, इतिहास दोहरा रहा है स्वयं को अंतहीन सीमाहीन, तुम्हें कैसे माफ कर दूं मेरे राम। तो भगवान राम को लेकर भी महिलाएं सवाल करती हैं, और महिलाओं को ये अधिकार है, महिलाओं को भगवान राम ने भी ये अधिकार दिया कि आप सवाल करिए, क्योंकि भगवान राम भी ये मानते हैं कि उनकी ये गलतियाँ उनसे होती हैं हुई। तो
हमारे यहाँ महिलाओं का स्थान अर्धनारीश्वर की कल्पना रही है, हमारे यहाँ महिलाओं का स्थान पूरा सबसे ऊंचा शिखर पे माना जाता है। तो उनको अब हम उनसे जो बीच में जो भी कालखंड रहा हो और उनके साथ या समाज में आज जो भी भेदभाव है उनसे ऊपर उठकर उनको वो आगे आएँ, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, उनको आगे करें, इससे समाज एक हंसता खिलता समाज होगा और विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल, विकसित भारत की बात हो रही थी और हमारे साथ हिंदुस्तान समाचार के ब्रजेश कुमार झा जो कि संपादक हैं वो थे, कैमरामैन शुभम के साथ प्रिंस सिंह जम्मू।